द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी गेट हार्ड। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो लोगों की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जिसमें से एक का नाम जेम्स रहता है, जो कि काफी अमीर रहता है क्योंकि बिजनेस के मामले में वो काफी इंटेलिजेंट रहता है। और उसके इसी खासियत के वजह से जेम्स का बॉस मार्टिन अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ सेट कर देता है, पर उसकी हरकतों से हमें पता चलता है कि वो बहुत डरपोक और सेंसिटिव टाइप का इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जो जेम्स के पार्किंग लॉट में कार वॉश का बिजनेस चलाता है, जहाँ उसके वर्कर्स उसे ही भाव नहीं देते। और लुइस का बस एक ही सपना रहता है, एक दिन बहुत बड़ी कार एजेंसी खोलने का, ताकि वो अपनी बेटी को अपने घर के पास से टपोरिया स्कूल से निकालकर किसी अच्छे स्कूल में भेज सके। और अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। जेम्स के एंगेजमेंट वाले दिन पुलिस उसे सबके सामने आकर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उस पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंजाम लग जाता है। जिसके बाद मार्टिन का वकील उससे कहता है कि अब उसके पास बस एक ही रास्ता है, और वो ये कि अगर वो जज के सामने अपना गुनाह मान लेगा तो उसे बस 2-3 साल की ही जेल होगी और वो फिर आजाद हो जाएगा। पर उस वकील की बात सुनकर जेम्स सबसे कहता है कि वो उस गुनाह को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसने किया ही नहीं है। और फिर वो सबसे कहता है कि उसे पूरा भरोसा है अपने लॉ सिस्टम पर। जिसके बाद कोर्ट में जब उसे जज के सामने ले जाया जाता है, तो जज उसे आम लोगों का पैसा हड़पने के जुर्म में 10 साल की सजा सुना देता है। पर जेम्स को 30 दिनों का वक्त दिया जाता है अपने सारे पर्सनल काम निपटाने के लिए। जिसके बाद कोर्ट से घर आते वक्त मार्टिन जेम्स से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो कुछ भी करके पता लगाएगा कि उसे फंसाने के पीछे किसका हाथ है और वो उसे छुड़वा कर रहेगा। मार्टिन की बात सुनकर जेम्स इमोशनल हो जाता है कि मार्टिन को उसकी इतनी फिक्र है, पर उसके लिए इतना काफी नहीं रहता। वो जेल जाने के सोच से ही सदमे में चला जाता है और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर दिन रात रोते रहता है। और इसी बीच एक दिन वो यूट्यूब पर जेल के वो वीडियोस देख रहा होता है, जिससे वो जान सके कि जेल में कैदियों के साथ क्या होता है। और वो वीडियो देखकर उसकी फट जाती है, जिसके बाद वो अपने पैरों से पुलिस के ट्रैकर को काटकर 90s के हीरो की तरह मेकअप करके एलिसा के पास जाता है और उसे अपने साथ देश छोड़कर भागने को कहता है। पर क्योंकि जेम्स अब गरीब हो गया रहता है, तो एलिसा उसके साथ जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ गरीबी में अपना दिन नहीं गुजार सकती। एलिसा की बात सुनकर जेम्स का दिल टूट जाता है और तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है जेम्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने अपना ट्रैकर काट दिया था। पर वो जेल नहीं जाता, क्योंकि उसके 30 दिन में से अभी भी कुछ दिन बचे हुए रहते हैं। उसे बस नया ट्रैकर पहनाकर वापस छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जेम्स समझ जाता है कि अब उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो सीधे लुइस के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने कुछ रिसर्च किया है और उसका रिसर्च ये कहता है कि वो एक ब्लैक है, तो वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जेल जरूर गया होगा। तो वो ये चाहता है कि अब वो उसे ट्रेन करे कि जेल में वो कैसे सही सलामत रह सकता है। जेम्स की बात सुनकर लुइस भड़क जाता है, क्योंकि वो बेचारा बहुत शरीफ रहता है। पर जेम्स जैसे ही उससे कहता है कि वो बदले में उसे $30,000 देगा, तो लुइस शांत हो जाता है और उससे कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत अपनी बीवी को आकर सारी बात बताता है, पर उसकी बीवी उसे ये सब लफड़े में नहीं पड़ने को कहती है, उसे ये कहकर कि वो कुछ ज्यादा ही शरीफ है। अपनी बीवी की बात सुनकर लुइस उससे कहता है कि वो ये सब बहुत आसानी से कर सकता है और उसे साबित करने के लिए टपोरी बनने की कोशिश करता है और फ्लो फ्लो में उसे गाली बक देता है। और उसके ऐसा कहते ही लुइस की बीवी उसे जोड़ का चाटा जड़ देती है, तो लुइस तुरंत उसे माफी मांगने लगता है कि वो मजाक कर रहा था। पर वो इस बात के लिए सीरियस हो जाता है कि उसे $30,000 चाहिए, ताकि वो अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भेज सके। जिसके बाद अगले दिन सुबह होते ही लुइस जेम्स के यहाँ पहुंच जाता है और एक टीचर की तरह उसे लड़ाई के लिए ट्रेन करने की कोशिश करता है। पर जल्दी ही यहाँ लुइस को भी पता चल जाता है कि जेम्स कितना बड़ा गधा है। पर दिक्कत सिर्फ यही नहीं रहती, लुइस खुद भी टेंशन में मरा जा रहा होता है कि वो जेम्स को जेल में टिकने के लिए टफ कैसे बनाएगा। जिसके बाद वो अपने एक कजन से कॉन्टेक्ट करता है, जिसका नाम रसल रहता है, जो पहले भी जेल जा चुका रहता है, और उससे जेल्स के सारे बेसिक्स पूछकर एक नोटबुक में लिख लेता है और फिर जेम्स की ट्रेनिंग वापस से शुरू करता है। पर इसी बीच हमें एक मेन बात पता चलती है, और वो ये कि जेम्स का बॉस मार्टिन ही असली गुनहगार है, उसी ने सारे पैसे हड़प कर सारे इंजाम जेम्स पर डाल दिए। दरअसल जेम्स जब मार्टिन को कॉल करता है ये जानने के लिए कि उसके प्राइवेट डिटेक्टिव असली गुनहगार को पकड़ने के कितने करीब है, तभी मार्टिन कॉल पर लुइस की आवाज सुन लेता है और अपने लॉयर पर चिल्लाने लगता है कि उसने गलती की जेम्स को 30 दिनों का टाइम दिलवाकर। और फिर वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड गेल को जेम्स पर नजर रखने को कहता है, ताकि वो कोई बेवकूफी करके उनके प्लान को बर्बाद न कर दे। इधर लुइस जेम्स को टफ बनाने के लिए एक पार्क में लेकर जाता है और कुछ लड़कों को मार कर आने को कहता है, पर जेम्स उल्टा मार खाकर आ जाता है। जिसके बाद लुइस जेम्स के पूरे घर को ही जेल में बदल देता है और उसके घर के नौकर के साथ मिलकर जेम्स को एक कैदी की तरह ट्रीट करने लगता है, ताकि उसे जेल में रहने की आदत हो जाए। और फिर 1-2 दिन बाद उसे दोबारा ट्रेन करके उसी पार्क में लेकर जाता है, पर इस बार भी जेम्स मार खाकर वापस आता है, वो भी पार्क के एक बुड्ढे से। जिसके बाद लुइस पूरी तरह से समझ जाता है कि वो एक बार को पानी में पत्थर तैरा सकता है, पर वो जेम्स को लड़ना नहीं सिखा सकता। जिसके बाद लुइस जेम्स को गे के इलाके में लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसके पास बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है कि वो आदमियों से मरवाना सीख ले, क्योंकि जेल में उसे ऐसे ही कैदी मिलेंगे जो सालों से हफ्सी बने बैठे होंगे और उन्हें खुश करके ही वो जेल में जिंदा रह सकता है। लुइस की बात सुनकर जेम्स भी उसके बात से एग्री करता है, पर जब वो एक गे के साथ प्रैक्टिस करने जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जिसके बाद वो तुरंत वहां से भाग कर आता है और लुइस से वादा करता है कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा एक असली क्रिमिनल की तरह बनने में, और वो ऐसा ही करता है। वो पूरी मेहनत करता है खुद को टफ बनाने के लिए, पर एक दिन जब लुइस उसका टेस्ट लेने आता है तो जेम्स अपने ही बनाए हथियार को अपने माथे में घुसा लेता है। जिसके बाद लुइस उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने घर लेकर जाता है, पर खाना खाते वक्त इन दोनों की हालत देखकर लुइस की बीवी भी इनके मजे लेने का सोचती है, जिसके लिए वो जेम्स के सामने लुइस को एडवाइस देती है
कि उसे जेम्स को अपने भाई रसल के पास लेकर जाना चाहिए जो पहले भी जेल जा चुका है, जिससे उसकी जेल में अच्छी खासी जान पहचान भी है। लुइस की बीवी की बात सुनकर जेम्स एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी रसल से दोस्ती हो जाएगी तो उसके लोग जेल में उसकी हिफाजत करेंगे। पर जब ये लोग रसल के पास जाते हैं तो रसल इनसे कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो उनमें से एक नहीं है। पर लुइस की हालत देखकर रसल को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे व्हाइट गैंग के पास जाने की एडवाइस देता है। पर जेम्स इतना बड़ा गधा रहता है कि जब वो व्हाइट गैंग के पास जाता है तो वहाँ बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो कोई जासूस है, जिसके बाद वो सब मिलकर जेम्स को मारने के लिए बढ़ते हैं। पर तभी लुइस वहाँ आकर जेम्स को गलती से बचा लेता है। फिर दोनों वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसी बीच लुइस जेम्स से पूछता है कि उसने सही में पैसों की चोरी नहीं की थी ना, तो जेम्स कहता है कि हाँ, वो शुरू से ही बेगुनाह है। तो लुइस उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने असली मुजरिम को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तो जेम्स कहता है ऐसा नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। और यहाँ जेम्स के मुंह से वो सुनते हैं, लुइस शॉक हो जाता है। तो जेम्स उसे बताता है कि मार्टिन ने उससे कहा है कि वो जल्दी ही असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। मार्टिन का नाम सुनकर लुइस को थोड़ा डाउट होता है, जिसके बाद वो जेम्स से उसके पूरे बिजनेस के बारे में पूछता है। तो जेम्स उसे पूरे बिजनेस का हर पार्ट बताता है और साथ में ये भी बताता है कि हर चीज का कंट्रोल मार्टिन के हाथ में ही है। और ये कहकर जेम्स सोचने लगता है कि इन सब में से कौन असली मुजरिम है। तो लुइस जेम्स से कहता है कि वो कितना बड़ा गधा है, उसके बिजनेस का काम करने के तरीके को देखकर कोई बच्चा भी बता देगा कि मार्टिन ही असली गुनहगार है। लुइस की बात सुनकर जेम्स उससे कहता है कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसके बाद सारी इसलिए जानने के बाद लुइस प्लान बनाता है कि वो लोग मार्टिन के ऑफिस जाकर उसके पर्सनल कंप्यूटर को चुरा लेंगे, जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं। दोनों मिलकर मार्टिन के मेन कंप्यूटर को चुरा लेते हैं। पर जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब पार्किंग में इनका सामना मार्टिन के बॉडीगार्ड गेल से हो जाता है और वो इन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। और साथ ही जेम्स को ये भी बता देता है कि लुइस सही में कभी जेल नहीं गया है और वो सच में बहुत शरीफ इंसान है। और ये कहकर गेल मार्टिन का कंप्यूटर लेकर वहां से चला जाता है। और इधर लुइस की असलियत जानकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है कि उसने अभी तक गलत आदमी की बात सुनी और उसे अफसोस होता है कि उसका सारा टाइम बर्बाद हो गया और उसने जेल जाने के लिए अभी तक कुछ नहीं सीखा। और इसी फ्रस्ट्रेशन में जेम्स लुइस से लड़ देता है और फिर डिसाइड करता है कि अब वो अगर जेल जा ही रहा है तो एक असली क्रिमिनल बनकर जाएगा। और इसके लिए वो अकेले फिर से रसल के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उनकी तरह बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ जेम्स की बात सुनकर रसल उसे एक मौका देने का डिसाइड करता है, पर इसके लिए वो जेम्स को एक गन देता है और उसे एक आदमी को मारने को कहता है। पर जब जेम्स वो गन लेकर वहां से निकल रहा होता है तभी लुइस वहां आ जाता है और उसे मोटिवेट करके वापस उसके दिमाग को ठिकाने पर लाता है और फिर उससे कहता है कि वो मिलकर मार्टिन का पर्दाफाश कर रहेंगे, जिसके बाद जेम्स लुइस को मार्टिन की बोट पर लेकर जाता है जिसमें वो उसी रात चोरी के पैसों से खरीदे अपने प्राइवेट आइलैंड के लिए निकलने वाला होता है। पर उस बोट पर मार्टिन के बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं जिनसे इन्हें लड़ना पड़ता है। पर इस बार जेम्स टफ बनकर सबका सामना करता है और सभी को बुरी तरह से मारता है। पर एक टाइम पर गेल जेम्स और लुइस को पकड़ लेता है, पर तभी पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि जेम्स बोट पर आने से पहले अपने ट्रैकर को काट दिया रहता है, जिसके बाद पुलिस गेल मार्टिन और एलिसा को पकड़ लेती है। पर जाते जाते जेम्स भी एक आखिरी बेवकूफी करते जाता है। वो पुलिस के सामने गलती से रसल की दी हुई गन निकाल लेता है, जिससे पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। पर जेम्स को बस 6 महीने की सजा होती है गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन, एलिसा और गेल को बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाना पड़ता है और क्योंकि मार्टिन को जेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता तो जेल में उसकी बैंड बजना शुरू हो जाती है। और आखिर में जब जेम्स 6 महीने बाद जेल से छूटकर आता है तो वो अपने बचे हुए पैसे लुइस के कार वॉश एजेंसी खोलने के सपने को पूरा करने में लगा देता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना।